नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो में मैं वीरे मटेरियल में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता रहा था। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस सब डीप्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्फीयर की। स्फीयर में मैंने इस मटेरियल को असाइन कर देते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन 100% कर देता हूँ और मैं रेंडर लेता हूँ तो इसमें कोई मैटर नहीं करता इसमें कलर कौन सी है, ये 100% रिफ्लेक्टिव मटेरियल बन जाता है। तो एक तरह से पूरा मिरर बन गया या फिर कोई क्रोम टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाता है। पूरा आप देख सकते हैं पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। ये तो मेरा एनवायरनमेंट का कलर है इसलिए ज़्यादा वाइट दिखा रहे हैं। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कलर को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव बन गया है ऑब्जेक्ट। तो कलर थोड़ा सा हम इसको और इफेक्ट को लाइट लगा के और अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर मैं लाइट लगा दूँ एक इस जगह और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं तो आपको प्रॉपर इफ़ेक्ट नज़र आएगा, लेकिन रेंडरिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट आ रहा है। लाइट को करेक्ट पोजीशन में लगाना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं अब प्रॉपर इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो अगर 100% रिफ्लेक्शन देते हैं इसका मतलब ये पूरी तरह से मिरर बन चुका है। इसका कलर से मतलब नहीं है कौन सी कलर है इसमें। और मैं अगर इसको कम कर देता हूँ तो उसी कलर को ये रिफ्लेक्शन देगा, उसी कलर में ये रिफ्लेक्शन आ सकते, देख सकते हैं आप ये रिफ्लेक्शन आ चुका है। तो वैसे ही मैं अगर रिफ्लेक्शन बढ़ाता हूँ तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट पास होके जा सके। तो यानी कि ये एक तरह से ग्लास बन जाता है। अब मैं 50% अगर रखूँ, 50% ग्रे कलर रखता हूँ तो इसका मतलब ये 50% ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं साथ के साथ ये रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है, प्लस मेरा डिफ्यूज़ कलर जो है वो डिफ्यूज़ कलर नज़र आ रहा है आपको और ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं एज नज़र आ रहा है पीछे का। तो जैसे जैसे मैं इसको रिफ्लेक्शन बढ़ाता जाऊँगा रिफ्लेक्टिविटी, ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे का दिख जाए, प्लस ये रिफ्लेक्शन भी दे रहा है इस ऑब्जेक्ट का। अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन को हटा दूँ, बिल्कुल जीरो कर दूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखना यहाँ पे आपने इस जगह देखिए हट चुका है मिरर, प्लस इसका रिफ्लेक्शन हट चुका है। यानी कि ग्लास जो होता है ग्लास में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़रूर होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। अब देखिए ये आ चुका है रिफ्लेक्शन इसके आ रहा है। और अगर मैं 100% कर दूँ इसको, यानी कि अब भी मैटर नहीं करेगा कि इसमें कौन सी मटेरियल है या फिर कौन सी कलर है, ये पूरी तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब आस आर पार दिख सकता है ये, देखिए मेरा कलर है लेकिन कलर किसी भी एंगल पे नज़र नहीं आ रहा। तो और अगर मैं दोनों को वाइट कर दूं, अब ये क्या करेगा, इसका 100% का मतलब है कि ये मिरर पूरा मिरर बन चुका है। ये रिफ्लेक्शन का मतलब है ये ट्रांसपेरेंट यानी ग्लास बन चुका है। तो मैं दोनों को ही 100% कर दिया, अब ये क्या करेगा, तो
कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर प्लस ट्रांसपेरेंट दोनों नहीं हो सकता, तो या तो वो पूरा रिफ्लेक्शन करता है मिरर होता है, या फिर वो ग्लास होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम अगर दोनों को बढ़ा देते हैं तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देगा सभी रोशनी को, यानी कि पूरी तरह से मिरर बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप 100% दो, अगर आप रिफ्लेक्शन को 100% रखते हैं तो मैटर नहीं करेगा कि आपने क्या कलर लगा है, कितनी रिफ्लेक्शन दिया है, या फिर रिफ्लेक्शन का IOR, सबडिव्स, ग्लॉसनेस, इसका कोई मैटर नहीं करेगा। आपने अगर रिफ्लेक्शन को 100% कर दिया तो अब हम रिफ्लेक्शन की थोड़ा सा बात करते हैं, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन में आते हैं ग्लॉसीनेस। तो ग्लॉसीनेस कैसे काम करेगा, ये होता क्या है, मैं बात कर रहा हूँ इसमें ग्लॉसीनेस की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक स्मूथ रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं एक बार रेंडर ले लूँ, अभी जो है स्मूथ रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी है और स्मूथ आ रहा है। अगर मैं ग्लॉसीनेस को कम करता हूँ 0.9, तो ये क्या करेगा, फ्रॉस्टेड ग्लास बना देगा, यानी नॉइजी ब्लर कर देगा। आप देख सकते हैं ब्लर हो चुका है। अगर मैं पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखूं, मेरे यहाँ पे है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ पीछे इसके, हाँ अब मैं रेंडर करता हूँ, आप देख सकते हैं ब्लर हो चुका है जो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 1 कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आप प्रॉपर नज़र आ रहा है पीछे का। तो यहाँ से अगर मैं इसको कम करते जाऊँ 0.8, जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा फ्रॉस्टेड ग्लास बन जाता है, यानी कि ब्लर हो जाता है और रेंडरिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से पूरा फ्रॉस्टेड ग्लास बन चुका है, जिस ग्लास में आगे पीछे दिखा नहीं जा सकता, हम देख नहीं सकते। तो और ये सब डिप्स क्या करते हैं, सब डिप्स जहाँ पे भी है इस नॉइज़ को, इसकी क्वालिटी बढ़ाता है। आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक स्पॉट, जैसे जैसे हम इसको ग्लॉसनेस बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सी नॉइज़ आता जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सब डिप्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि सब डिप्स हम कितनी बढ़ाएंगे। अगर सब डिप्स पर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो भी रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है। तो मैं जैसे यहाँ से 12 कर देता हूँ एक बार, तो जैसे जैसे सब डिप्स बढ़ाएंगे क्वालिटी आप देख सकते हैं क्वालिटी में सुधार आएगा, लेकिन टाइम भी देख सकते हैं अब टाइम बढ़ता चला जाएगा रेंडरिंग टाइम। तो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही बढ़ाएंगे, अब देख सकते हैं कितनी बढ़ गई। लेकिन देखिए अब इस जगह देखिए काफ़ी तक हद तक सॉल्व हो चुका है, काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। तो ये तो था मेरा सब डिप्स का, सब डिप्स आप बढ़ा सकते हैं और ग्लॉसीनेस से अपन फ्रॉस्टेड ग्लास बना सकते हैं। तो अगर मैं 1 कर दूं, दोबारा मैं 1 कर देता हूं और मैं एक बार रेंडर देता हूं, देखना कितनी फास्ट रेंडर होगा, बहुत फास्ट हो गए। अब आप सब डिप्स को चाहे आप कम कर दीजिए, सब डिप्स कम में भी काम चल जाएगा क्योंकि ग्लॉसीनेस मैंने 1 की रखा है। अब आता है IOR, इसका मतलब होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये होता क्या है बेसिकली, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ग्लास मटेरियल में 1.6 दे रखा है, ये होता है। अब इसके बारे में और जान सकते हैं नेट में ट्राई कीजिए, जैसे वाटर का होता है 1 का होता है, यानी पूरा ट्रांसपेरेंट प्योर ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसमें देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा लेंस इफेक्ट आ रहा है, यानी कि रोशनी है वो थोड़ा सा बैंड होके जाते हैं। अगर मैं 1 रख दूँ तो क्या होगा, चलो मैं एक बार 1-2 रख के देखते हैं क्या इफेक्ट देते हैं। तो ये जो लेंस इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, देखते हैं।
अगर मैं वन रख दूं आप देख सकते हैं वन से आपको ऑब्जेक्ट ही नज़र नहीं आ रहा, मतलब एक तरह से रोशनी पूरा स्ट्रेट जाके इसमें से आ रहा है, यानी ऐसे नहीं होता। कोई भी ग्लास ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा रोशनी बैंड होके जाता है, यानी हमें थोड़ा सा लेंस इफेक्ट नज़र आता है। बिना IOR के वन का मतलब है रोशनी बिल्कुल आर पार जा सकता है। अगर 1.1 करके देखते हैं, 1.1 रख देते हैं, अगर मैं इसको एक बार दोबारा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं आ रहा है इसको। तो अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, 1.2, 1.3, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रीजन सिलेक्शन कर दूं ताकि पूरा रेंडरिंग ना हो। आप देख सकते हैं 1.2, तो इसको आप 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। 1.5 आप देख लीजिए कितना फ़र्क पड़ा है। अब मैं इसको 1.8 में ले जाऊँगा, देख लीजिए। अब मैं सीधा 2 में ले जाऊंगा, आप देख सकते, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ रहा है। ये देख सकते हैं। तो हमें इसको 2 बेटर इफेक्ट के लिए आप 1 से लेके 2 तक यूज में कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं इसको। बाकी आप अपने सीन के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप इसको चेंज कीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.6 होता है, तो मैं एक बार इसमें 1.6 का रहने दे दिया। अच्छा, अब ये आता है ऑब्जेक्ट की, अगर मैं इसको, अब ये था मेरा मिरर ग्लास इफेक्ट था, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्शन देता हूँ थोड़ा सा, मैं 100% रिफ्लेक्शन देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, तो मैंने रिफ्लेक्शन को हटा दिया। रिफ्लेक्शन में अगर मैं इस टाइम रेंडर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक तरह से मिरर बन चुका है जो चारों तरफ से रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आते हैं फ्रेशनल रिफ्लेक्शन। फ्रेशनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब हम इसको फ्रेशनल रिफ्लेक्शन देते हैं, इसका मतलब है कि जो आपका जो स्ट्रेट लाइन में जो ऑब्जेक्ट होगा, परपेंडिकुलर जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो बिल्कुल वीक होगा। आप देख सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, हालांकि मेरा रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम रखा है मैंने। और जो साइड का रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, कलर में चेंज कर दूँ ताकि शायद आपको नज़र आए थोड़ा सा, देख सकते हैं जो साइड का जो रिफ्लेक्शन है वो स्ट्रांग है सेंटर के मुकाबले। तो ये होता है फ्रेक्शनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद है फ्रेक्शनल IOR, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो ऑफ है, अब यहाँ पे जैसे अपन ने चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे तो ऑफ है। तो इसको ऑन करने के लिए आप इस लॉक है, इसको L को ऑन कर लीजिए तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एक बार 1 रख देता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसको 1 रख के ट्राई कीजिए तो आप देख सकते हैं कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे 1.8, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं साइडों का रिफ्लेक्शन बीच के मुकाबले लगभग लगभग चारों तरफ से रिफ्लेक्शन आ चुका है। तो इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते चला जाएंगे, रिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लूइज है, लेकिन जो डिफ्यूज कलर है वो इसमें गायब होता चला जा रहा है जैसे जैसे हम उसको बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू है साइडों में है, जैसे हम इसको यहाँ से अपन ने बढ़ाया था 100% किया था तभी पूरे तरह से रिफ्लेक्शन हो गया था, तो डिफ्यूज़ कलर हट गया था इसमें से। तो अभी भी हम जैसे जैसे बढ़ाते चला जाएंगे डिफ्यूज़ कलर हटता चला जाएगा, डिफ्यूज़ कलर आपको दिखेगा नहीं, अभी भी है। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए पूरी तरह से हट चुका है। 100 का मतलब है आप इसको ऑफ रख के भी आप रेंडरिंग लेते हैं तो भी यही इफेक्ट था। तो फ्रेशनल रिफ्लेक्शन ये होता है जब आप कलर को, आपको रिफ्लेक्शन को बताना है कहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, तब आप इसको ऑन करके ले सकते हैं। तो 1.8 या 1.6 या 1.2
आप ले सकते हैं। तो ये होता है फ्रेसनल रिफ्लेक्शन। अब आते हैं, तो इसको मैं एक ड्रॉप कर देता हूँ। अब आते हैं मैक्सिमम डेप्थ। तो मैक्सिमम डेप्थ क्या होता है, ये मैं दूसरे ऑब्जेक्ट में देखूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट में देखूँगा इसको। तो मैं इसमें, चलो इसी में डाल देता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ एक बार एंटर लेते हैं इसको। मैक्सिमम डेप्थ जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा आपको शेडो ब्लैक आ रहा है, तो ये चीज़ मैं इसको एक बार एक कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये आपके सामने ये ब्लैक हो चुका है। तो इसको कंट्रोल करता है मैक्सिमम डेप्थ। अगर मैं इसको दो कर दूँ तो आप देख सकते हैं कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो इसको हम एक्सिट कलर को एक बार में कुछ और ऐसे कलर कर दूँ, या फिर रेड या फिर ग्रीन, और मैं एक बार एक मिनट डालूँ तो आपको साफ नज़र आएगा कैसे काम कर रहा है। देख सकते हैं आप, तो ये होता है एक्सिट कलर। नॉर्मली इसको आप ब्लैक रख दीजिए और इसको डेप्थ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 है, तो आप देख सकते हैं एक बार चेक कर लीजिए 4 में, जैसे ख़ास नज़र आपको नहीं आएगा इसमें। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये हटता चला जाएगा। तो मैं इसको ब्लैक रहने दिया, 5 रहने दिया। अब इसमें बात करते हैं रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस, तो थोड़ा सा ब्लरीनेस रिफ्लेक्शन में, अगर थोड़ा सा ब्लर रिफ्लेक्शन देंगे तब ये इसकी यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं इसको 0.8 कर देता हूँ, और मैं एक बार आपको इसको मैं सामने लाऊँ, इसमें मैं अलग से एक स्लॉट में इसको असाइन कर देता हूँ, और रिफ्लेक्शन में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। एक बार रेंडर ले लो, आप देख सकते हैं नाइस रिफ्लेक्शन आ गया। आप देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्शन आ चुका है, नाइस रिफ्लेक्शन आ चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल करने के लिए इसको मैं ब्लर करूँगा, जैसे कुछ मेटलिफिक इफ़ेक्ट होता है। तो मैं इसमें करूँगा पॉइंट वैसे कि वैसे अवेन, जैसे किया था इसमें रिफ्लेक्शन में, इसमें भी 0.9। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये थोड़ा सा नॉइज़ ब्लर होने लग गया, थोड़ा सा ब्लर रिफ्लेक्शन आने लग गया। तो जैसे जैसे कम करेंगे, एक बार मैं इसको ज़्यादा कम कर देता हूँ 0.7। आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है कि रफ़ सरफेस है। रिफ्लेक्शन तो है इसमें, लेकिन जो सरफेस है वो रफ़ है, तो उसको ब्लर कर दिया। अब देख सकते हैं इसमें इस तरह, आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि लाइट मैंने ऑफ कर रखा है। लाइट अगर लें
लाइट और एनवायरनमेंट को ऑन करना है हमें, लेकिन रेंडरिंग टाइम बढ़ जाएगा इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है। तो अब यहाँ से इसको सरफेस को आप ब्लर कर सकते हो, रिफ्लेक्शन का जो सरफेस होता है, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है उसको ब्लर करने के लिए काम आता है रिफ्लेक्शन ग्लॉसिनेस। तो इसको जैसे जैसे कम करते जाएंगे सरफेस रफ़ होता चला जाएगा लेकिन रिफ्लेक्शन तो देगा। अब आते हैं हाईलाइट ग्लॉसिनेस क्या होता है। अब जो ये ग्लॉसिनेस है, ये हाईलाइट ग्लॉसिनेस, हम इसको एल को ऑन ऑफ करेंगे वैसे के वैसे। अगर मैं इसको भी कम कर दूँ 0.8 कर दूँ, आप देख सकते हैं इसमें देखिए क्या ये, चलो इसमें एक बार मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ, जो हाईलाइट का क्वालिटी है वो देख लीजिए, वो भी कम होता चला गया। लेकिन मैं ज़्यादा कम कर दूँ 0.5, आप देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल ही सरफेस एकदम ब्लर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस ये जो हाईलाइट है आपका, जो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे, आप देख सकते हैं जूम करके। तो ये होता है हाईलाइट ग्लॉसिनेस। तो हमें इसको एक रखना है, जहाँ ज़रूरत है उस वहीं ऑन करना है हमें। तो इस टाइप का सरफेस बनाने के लिए अपना हाईलाइट ग्लॉसिनेस को भी एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा सब डीप्स। इसमें जैसे जैसे हम इसको ग्लॉसिनेस को बढ़ाएंगे तो ये जो अपने नॉइज ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको हटाने के लिए हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन जितने जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेंडरिंग टाइम भी बढ़ता चला जाता है। तो हमें इसको अभी ध्यान से बढ़ाना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही बढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। वैसे आते हैं एफएक्स शैडोज, ये रिफ्लेक्शन में है। तो रिफ्लेक्शन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसमें एफएक्स शैडोज को ऑन करने से अगर कोई बाहर रोशनी है वो अंदर आ सकता है। अगर इसको ऑन नहीं करेंगे तो लाइट ग्लास के अंदर से पार होकर नहीं आ सकता। तो जब हम कोई विंडो बनाएंगे या फिर कुछ जो जिस ऑब्जेक्ट में हम कोई बल्ब का जो ग्लास होता है तब हम इसको ऑन करना है, तब जाके रोशनी आर पार जा सकता है, नहीं तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हम आगे का ट्यूटोरियल में देखेंगे इसको यूज़ करके कैसे काम लेते हैं। यूज़ इंटरपोलेशन, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, हम यहाँ पे भी दे रखा है यूज़ इंटरपोलेशन। इसको ऑन करने से थोड़ा सा रेंडरिंग टाइम कम लग जाता, कम होता है हम देख सकते हैं, लेकिन नीचे है एक, आपको मैं दिखा देता हूँ, रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्स इंटरपोलेशन। तो जिसको ऑन करोगे आप मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट, यह आपको मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा एक बाद में। जो इरिडियंस मैप है, इरिडियंस मैप के अंदर मैक्सिमम रेट मिनिमम रेट ये दोनों आपको बराबर रखना है, मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट, तब इफ़ेक्ट पूरी तरह से इफ़ेक्ट आएगा और रेंडरिंग टाइम कम लगते हैं। तो आप इसको जब ऑन करो तो आप देख लिया करो जो इरिडियंस मैप्स है इनके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपका दे रखा है इंटरपोलेशन सैंपल, हीमोस्फीयर, सब डिप्स। इसके बाद मैंने इसके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, उसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा एक एक पॉइंट को। अब आता है ट्रांसकुलेंसी। ट्रांसकुलेंसी इफ़ेक्ट के लिए मैं एक बार इसको ऑफ कर दूं, ट्रांसकुलेंसी इफ़ेक्ट के लिए आपको क्या करना है, मैं एक बार इसमें मैं ट्रांसकुलेंसी डाल देता हूं, रिफ्लेक्शन को कम कर दीजिए और रिफ्लेक्शन को अपने 50% बढ़ाना है, यानी 100% नहीं करना, 100% से आपको टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो 50% लगभग मैंने बढ़ा दिया।
अब मैं एक बार रेंडर लूँगा इसको, अब देख सकते हैं। अब देख सकते हैं लगभग मेरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, 50% ट्रांसपेरेंट है। तो आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो मैं इसके बाद पहले कर चुका हूँ, नीचे आते हैं ट्रांसकुलेंसी। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग इफेक्ट होता है, जैसे हार्ड वाटर मॉडल, तो ये यहाँ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आप देख सकते हैं चेंज आ गया इसमें। मैं कैंसिल करता हूँ उसको, थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट वाटर, अब देख सकते हैं। देख सकते हैं ये इफेक्ट कैसे बेंड हो रहा है रिफ्लेक्शन। कैंसिल करता हूँ, हाइब्रिड मॉडल, तो आपने देखा ट्रांसकुलेंसी कैसे काम करता है। ट्रांसकुलेंसी में ये भी आप सेटिंग्स है, इसको आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कीजिए तो आपका। और मैं नन में रख देता हूँ उसको। सेल्फ इल्यूमिनेशन, ये तो आप जानते ही होंगे आप लोग, इसका कैसे काम लेते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट मटेरियल के जैसा ही है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका ऑब्जेक्ट वैसे वैसे ग्लो होता चला जाएगा। देखिए कैसे ग्लो होने लग स्टार्ट कर दिया। अभी मेरा रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है इसलिए इतना इफेक्ट नहीं दे रहा, अगर रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इतनी में बहुत ग्लो हो जाता। आप देख सकते हैं, अगर मैं रिफ्रैक्शन को कम करूँ यहाँ से, रिफ्रैक्शन को जैसे जैसे कम करते जाऊँगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे ग्लो हो जाएगा। मैं पूरी तरह से नहीं लूँगा, अब देख सकते हैं यहाँ से मैं बढ़ा दूँ और, देख लीजिए। तो यहाँ से आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट ग्लो होता जाएगा। और ग्लो कौन सी, ये वाला आपका जो डिफ्यूज़ कलर है ये ग्लो हो जाएगा। अगर मैं कलर को चेंज करके ये कर दूँ येलो, अब मैं एक बार एंटर करूँगा, अब देख लीजिए। तो आप यहाँ से सेल्फ इल्यूमिनेशन को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्लो होता जाएगा। और ये मल्टीप्लेयर हो इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से ये बल्ब जैसा रिएक्ट करने लगेगा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, लास्ट में एक लाइट जैसा इफेक्ट देगा। देख सकते हैं, तो बाई डिफॉल्ट वन होता है, वन का मतलब जीरो रिफ्लेक्ट, जीरो ग्लो, ग्लो जीरो अमाउंट पे ग्लो करना है। अरे ब्लैक का मतलब कोई ग्लो नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये था बेसिक वीरे का मटेरियल। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा वीरे सेटिंग्स के बारे में,
कैसे काम करते हैं ये कॉमन टैब, वीरे टैब, इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन सेटिंग्स, एक एक करके इसके बात करूँगा। देखिए दूसरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।